इस भारत जोड़ो यात्रा में पधारे हुए सभी नेतागण और हमारे नेता और इस देश के चाहता और कांग्रेस पार्टी को जो नई दिशा और एक नया जोश सब में जो लाए हैं श्री राहुल गांधी जी, मंच पर बैठे हुए केसी वेणुगोपाल जी, शक्ति सिंह गोयल जी, उदयभान सिंह अध्यक्ष जी और भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दिग्विजय सिंह जी, शैलजा जी, रणदीप सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, डीके शिवकुमार जी, किरण चौधरी जी और यहाँ पर मंच पर बैठे हुए मेरे पूरे साथियों और यहाँ जमा हुए भाइयों, बहनों, युवा मित्रों, मेरे किसान भाइयों, आज की ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा पानीपत में इतनी विशाल सभा हो रही है, ऐसी बड़ी सभा जो आयोजन किए हैं उस तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मैं अपना धन्यवाद देता हूं। और ये पानीपत हमने इतिहास में पढ़ा है कि पानीपत में हमेशा युद्ध होते रहे और यहां से हमेशा होते रही, और ये भूमि का गुण है कि लड़ाई करना और जीतना। वैसा ही आज भारत जोड़ो की जो लड़ाई है और हमारे नेता राहुल गांधी जी जो पादयात्रा अब तक 3000 किलोमीटर तक पूरा किए हैं और आगे अभी 300-400 किलोमीटर बाकी है, वो जल्द से जल्द कंप्लीट होगा और जम्मू कश्मीर में जाकर वहां पर तिरंगा झंडा फैलाएंगे। और ये उनका ये साहस और उनका ये धैर्य देखकर सबको अचंभा हुआ है। भाई, हम तो राहुल गांधी जी को दिल्ली में देखते थे, एसी के कमरे में देखते थे, गाड़ी में देखते थे, लेकिन ये राहुल अलग निकले जो कन्याकुमारी से लेकर पानीपत तक अपना जो पादयात्रा पूरे किए हैं, ये इससे देखिए, वो ठंडी में, पहले बारिश में, धूप में, हर तरह के सीजन में उन्होंने चलते रहा और उनके पीछे जो हमारे भारत जोड़ो यात्री हैं वो भी चलते रहे। इसीलिए मैं उनको बधाई देता हूं और ये जो उन्होंने हमारे युवकों में धैर्य साहस दिलाया है ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सब जो कुछ हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है? कि जनता को जो पीड़ा हो गई है और जनता का जो पीड़ा है उसको दूर करने के लिए, जैसा कि आज महंगाई बढ़ी है, महंगाई इतनी ऊपर चले गई है कि उसको
सरकार नीचे लाने की कोशिश ही नहीं कर रही, क्योंकि उनको फिक्र नहीं है। वो हमेशा बड़े लोगों के साथ रहते हैं और उनको इस जो कीमतें इतने ऊपर चले गए, जो हमारे आवश्यक वस्तु के कीमतें इतने ऊपर, गरीब आदमी कोई उसको छू नहीं लेता या उनके सारी चीजों को अपनी पूर्ति नहीं करता। ऐसे एक वक्त इन्फ्लेशन, इस इन्फ्लेशन के खिलाफ उनकी लड़ाई है। दूसरी लड़ाई अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट 45 यानी 45 ईयर्स में इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं हुआ। आज उसके लिए वो रास्ते पे आकर लड़ रहे हैं। आज देखिए हर जगह युवा डिग्रियां लेकर, बहुत से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एमबीए, एमए, बीए, बीएड होकर रास्ते पे गिरे हुए हैं। उनकी चिंता बीजेपी सरकार नहीं कर रही, उनकी चिंता मोदी जी नहीं कर रहे हैं, शाह जी नहीं कर रहे हैं। और उनका एक ही काम बना है, जब से वो प्रधानमंत्री बने, जब से वो होम मिनिस्टर शाह बने, तब से उनका एक ही काम है कि देश में चुनाव 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 का भाषण ही करते। देश के बारे में उनका सोच कुछ नहीं है, युवकों के बारे में उनका सोच नहीं है, इन्फ्लेशन के बारे में उनका सोच नहीं, देश के आर्थिक परिस्थिति के बारे में उनका सोच नहीं है। जहां जहां इलेक्शन करवाना, जिन लोगों को तोड़ना, ईडी के मदद से, इनकम टैक्स के मदद से, हर चीज से वो इस्तेमाल करके कांग्रेस को तोड़ने का देखते हैं। राहुल जी के नेतृत्व में हम 6-7 स्टेट में हमारी सरकार आई थी, वहां के लोगों को किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? बीजेपी के लोगों ने तोड़ा। किसी को पैसे देकर, किसी को लालच देकर, किसी को भयका के, किसी को मिनिस्ट्री देकर, ऐसे चीज करके, और किसी को ईडी का डर दिखा के, इनकम टैक्स का डर दिखा के उन्होंने सारे सरकारें तोड़ दी। बात तो डेमोक्रेसी की करते हैं, लेकिन करते क्या है? डेमोक्रेटिकली जो चुने हुए सरकार है उनको एक एक करके गिराते जाते हैं, और ऊपर से बोलते हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। कहां है भैया आपका लोकतंत्र? हर जगह आप लोगों के वजह से, लोगों ने मदद करके जो सरकारें, कांग्रेस सरकार बनाई, उसको आप तोड़ते फिरते हो। और भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन इतना झूठ बोलते हैं, शायद ही कोई पॉलिटिशियन या कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर आज तक इतना झूठ नहीं बोले। ये झूठों के सरदार है। हर 2 करोड़ नौकरियां देने का यह सच है झूठ कि उन्होंने कहा भाई मुझे चुन के लाओ, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं देश को बनाऊंगा। हर एक लोगों को, इस देश में रहने वालों को, 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा। दिया नौकरी नहीं, आपको मिला होगा, क्योंकि यहां लड़ाकू लोग ज्यादा है, लड़ने वाले हैं, इसलिए मिला होगा 2 करोड़ आपको। नहीं मिला। 15-15 लाख देने का वायदा, मिला 15 लाख? नहीं मिला। अब क्या कर रहे हैं? त्रिपुरा में इलेक्शन है, वहां शाह जाते हैं, वो कहते हैं भाई राम मंदिर बन रहा है, 1 तारीख उसका उद्घाटन है। अरे ठीक है, सभी लोग तो भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन आप क्यों घोषणा करते हैं इसकी, वो भी चुनाव में?
और आने वाले चुनाव में वो ये कह रहे हैं कि मई में चुनाव रहता है तो 1 जनवरी में वहां राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप कौन होते भाई बोलने का? क्या राम मंदिर के पुजारी हैं आप? क्या राम मंदिर के वहां महंत हैं आप? वहां के महंत लोग बोलने दो, साधु संत बोलने दो, आप क्यों है? आप पॉलिटिशियन है, आप देश को सुरक्षित रखना, कानून की व्यवस्था रखना, लोगों के पेट भरना और किसानों का पेट, किसानों का दाम देना आपका काम है। किसानों को भी बोले कि आपका दाम दुप्पट होगा, होगा दुप्पट, MSP बढ़ाएंगे, बढ़ाए नहीं। तो ये सारी चीजें वो बोलते जाते हैं और ये सब, और बाद में ये कहते हैं अरे भाई ये तो इलेक्शन के जुमले हैं। अगर इलेक्शन के जुमले हैं तो ये बोलना था पहले ही, वोट लेने से पहले। वोट लेने के बाद ये जुमले बन गए, 15 लाख, 2 करोड़, सारी चीजें जुमले बन गए। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी, और ये छुरी लेके घूम रहे हैं, समाज को डिवाइड कर रहे हैं, जाति जातियों में झगड़ा लगा रहे हैं, धर्म धर्म में झगड़ा लगा रहे हैं और एक खाई बढ़ा रहे हैं, जो डिवाइड कर रहे हैं। इसी के लिए राहुल गांधी जी इस खाई को दूर करने के लिए, जोड़ने के लिए वो इतनी पादयात्रा कर रहे हैं। ये है, ये वोटों के लिए नहीं है, ये वोटों के लिए नहीं है, ये देश के हित के लिए है, आपके हित के लिए है, किसानों के हित के लिए है, युवाओं के हित के लिए है, महिलाओं के हित के लिए है, दलितों के हित के लिए है। ये वो जो कर रहे हैं वो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वोटों के लिए कुछ भी बोलो, क्योंकि लोग सुनते हैं और वो ये चाहते हैं कि जब तक लोग सुनते रहेंगे, वोट देते रहेंगे, ऐसे ही जुमले बोलते रहेंगे। ये उनका एक वादा है और उसी से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा कि भाई ये कभी भी, एक कवि ने कहा है, क्या कहा है, मैं उस लेखक का एक सेंटेंस यहां पर उच्चारण करूंगा। था तुझे गुरूर अपने लंबे होने का ए सड़क, था तुझे गुरूर अपने लंबे होने का ए सड़क, राहुल के हौसले ने तुझे पैदल की नहीं नाप दिया। था तुझे गुरूर अपने लंबे होने का ए सड़क, सड़क बोल रही थी मैं इतना लंबा हूं, और वो उस पे गुरूर था उसको, लेकिन राहुल के हौसले ने तुझे पैदल ही नाप दिया, चल के ही नाप दिया। तुम कितने लंबे हो मैं देखता हूं, तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो चलते जा रहे हैं और हम सबको उनके मदद में, उनके सपोर्ट में आना चाहिए। और युवकों को मैं खास करके विनती करता हूं कि अभी बहुत से चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन वक्त हुआ है, हमको पहुंचना भी है, राहुल जी भी आने वाले हैं, इसीलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ के युवकों को फंसाने की कोशिश चली। अग्निपथ का उन्होंने एक विचार लाकर, अब सबको स्टाइपेंडरी ग्रेजुएट, किसी को मिलिट्री नहीं, फौजी नहीं कहलाएंगे, वो सिर्फ एक उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो सर्टिफिकेट लेके ही वो फिरते रहेंगे, नौकरी नहीं। 30 लाख नौकरियां इस देश में खाली है, चाहे डिफेंस हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे सिविल सर्विस में हो, 30 लाख। लेकिन मोदी जी नहीं देंगे, वो इसलिए नहीं देंगे,
30 लाख में से 15 लाख नौकरियां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास के लिए जाएंगे। तो इसीलिए वो चाहते हैं अगर 15 लाख लोग गरीब अगर घर बसाएंगे मजबूत होंगे आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे तो हमारी परेशानी बढ़ जाएगी। इसीलिए वो 30 लाख नौकरियां नहीं भर रहे, ऐसे छोटी मोटी स्टाइपेंड देके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों ऐसे सरकार को भी सबक सिखाना है और हमारा काम है और मजबूती के साथ रहना है। देश को बचाने वाले हम लोग हैं और देश के लिए कभी वो लोग नहीं लड़े, आजादी के लिए नहीं लड़े, अपनी कुर्बानी नहीं दिए, लेकिन सब कुछ किया कांग्रेस ने और कांग्रेस जो की है उसका फायदा उठाकर आज हर जगह घूम रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर निकलता है तो 100 गाड़ियां उसके पीछे। अरे क्यों भाई, पहले के प्राइम मिनिस्टर भी जाते थे, कितने गाड़ियां 8, 10, 15 कुछ रहते थे। आज होम मिनिस्टर भी निकलता है उसके पीछे भी 50 गाड़ियां। और हम यहां पर पानीपत पहुंचना चाहते थे हेलीकॉप्टर में तो हमको क्लियरेंस भी जल्दी नहीं मिलता, ये बात चल रही है। इसलिए दोस्तों और ज्यादा कुछ न बोलते हुए इतना ही कहूंगा, हम सब मिलकर रहेंगे, एकजुट रहेंगे, फिर कांग्रेस को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस।